और एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या होगा, मर जाऊंगा। सभी ने तो मरना है एक दिन, पर वैसे भी कौन सा मौत से कुछ बहुत बढ़िया जिंदगी जीते हैं, जिंदा लाश की तरह तो जी रहे हैं सब। Like it's not too low. The previous results which I showed even during presentation, they were also generated on this machine itself, and I think it's better because if I use lab system, that will be even faster, and it will be difficult to compare. The differences may be just in milliseconds. मौसम बहुत ज़्यादा लुभावना चल रहा है, बारिश के बाद हो ही जाता है, बस बारिश ना हो। इधर कॉर्नर पे ना एक दुकान है, आई थिंक इडली पूरा साउथ इंडियन मिलता है, ये वाली पता नहीं क्या वो अफीम वफीम मिला के बेचता है खाने में, जो इतने लोग खाने आते हैं इसके पास, रात दिन शाम कभी भी आ जाओ। 2018 में इतना अच्छा लुक नहीं था इसका, कस्टमर्स रहते थे, अभी पूरा एकदम डिजिटाइज कर दिया है। एक्चुअली जब मैंने इतनी भीड़ देखी इस खाने की दुकान पे, तो मुझे याद आया कि मुझे शेषाद्री ने कुछ दिन पहले बोला था कि वीना स्टोर्स नाम की एक जगह है, वहाँ जाके खाना, बहुत बढ़िया खाना मिलता है। तो जब मैंने भीड़ देखी, मुझे लगा यार कहीं ये वही तो नहीं है, और वीना स्टोर से नाम था इसका। तो दुश्मनों वर्कआउट दिया पेल, मुझे पता है क्या लगता है, हम सोचते हैं कि वो बंदा कितना फिट है, प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल क्रॉसफिटर्स, नो डाउट उनकी फिटनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, पर अल्टीमेटली है तो उनके पास भी ह्यूमन बॉडी, मतलब पेन बराबर होता है। बात सारी यहाँ आ जाती है कि तुम्हारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, तुम कितना पुश करना चाहते हो, दर्द तो बराबर ही होता है। मुझे लगता है कि यार अगर मैं रनिंग में एक्सप्लोड ही ना कर पाऊँ, तो फिर मैं कितना ही वेट उठाता रहूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए उसका। वजन तो हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उठाता है। जब भी मेरी हालत ख़राब होने लगती है, तो कई चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में कि यार मैं इससे फिट था, अरे ये तो 14 किलोमीटर पर आ रही है, मैं तो 16 पे दौड़ता था, अबे तेरा टारगेट 20 का था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्प करती हैं मुझे पुश करने में, और एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या होगा, मर जाऊँगा, सभी ने तो मरना है एक दिन। पर वैसे भी कौन सा मौत से कुछ बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं, जिंदा लाश की तरह तो जी रहे हैं सब। मैं पहले बोलता था कि यार जो बंदा खुद को फिट नहीं रखता, उसकी मतलब वो कीड़ा है, क्या ही कर रहे हो फिर ज़िंदगी में, अगर तुम अपनी फिटनेस पे ही ध्यान नहीं देते, मतलब हमें क्या मिला, एक बॉडी मिली है, नेचुरल चीज़ एक मिली है, वो एक बॉडी मिली है, ये पूरी हमारी है, इस पर पूरा अपना राइट है, इसको कोई ले नहीं सकता, और हम उसी का ध्यान ना रखें तो कोई मतलब नहीं रह जाता किसी भी बात का, मतलब फिर तो तुमको एक जो तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसे कोई और नहीं हत्या सकता, तुम उसी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो एक कीड़े से बदतर जिंदगी है वो। आई थिंक जानवर अपने शरीर का ध्यान ज़्यादा रखते हैं हमसे, एक कीड़े को भी अपनी जान की वैल्यू ज़्यादा होगी, हमें नहीं है। अभी भागता हूँ रिहर्सल्स की तरफ। जिस माहौल में हमेशा बड़ों की भीड़ लगी रहती हो, वहाँ नज़दीकी उम्र के दो बच्चे कितने दिन दुश्मन रहते, हम दोस्त बन गए। बाकी दुनिया की नज़रों में वो बड़ी अभागन थी, क्योंकि पति परिवार पुत्र का सुख उसे कभी नसीब होने वाला नहीं था। ऐसी औरतें समाज में अपनी स्थिति के बारे में सोचकर हमेशा दुखी सहमी मुरझाई हुई रहती हैं, लेकिन जमुना को इस बात की समझ कम। रिहर्सल्स डन, अभी भागते हैं वॉकी टॉकी की तरफ, ऑलरेडी 7:32 हो गया है, सूसू भी मारना है पहले। As local minimum, you create a new connected component in the lower star, and you have specific locations in your. अभी 30 मिनट का कॉफी ब्रेक, वो लोग तो वहां पर अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी चाहता था जाकर चाय पियाऊं, या फिर एक चीकू शेक, मैंगो शेक, थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लूं, लेकिन भीषण बरसाती रेन हो रही है।
मतलब मैं चाय पीने नहीं जा सकता, तो हम प्रोटीन शेक से काम चलाएंगे। जब तक ये कॉफी ब्रेक चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ खाना भी ऑर्डर कर देता हूँ। अगली टॉक होगी, आ जाएगा तब तक। वैसे भी बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी आने वाला है आज कुछ। खाना ऑर्डर कर दिया, पर अभी एक बात सोच रहा था मैं कि जो भी डिलीवरी बॉय लेकर आएगा इतनी बारिश में, बहुत ही मेहनत का काम करेगा, और आई थिंक एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए उनको जो भी इतनी बारिश में काम कर रहे हैं, खाना डिलीवर कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो या रेस्टोरेंट का देना बनता है, क्योंकि तुम उससे पैसा कमा रहे हो। अगर डिलीवरी बॉय डिलीवर नहीं करेगा तो तुम्हारा बिजनेस नीचे जाएगा। कस्टमर के पास अगर खाना नहीं आता है, वो कहीं और से अरेंज कर लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, स्विगी डिलीवर नहीं कर रहा, कस्टमर के लिए बस इतना है। हमें भी करते भी हों और कुछ होता हो, बोनस एंड टिप। Okay, मेरी टॉक स्टार्ट हो गई है। Now, as you've already seen before, Julian had hinted at this notion of a persistence curve that you look at as well. We have a module that extracts that as well. ले लो यार टिप, आप बहुत बारिश में हैं। खाना फाइनली आ गया। मैं जनरली टिप वगैरह देता नहीं हूँ, पर अभी जो डिलीवरी बॉय आया था यार, वो मुश्किल से 35-40 किलो का बंदा और इतनी भयंकर बारिश में आया है। एक बार तो बिजली कड़ गई थी, और ऐसी ज़बरदस्त बिजली कड़ गई थी कि मैं घबरा गया था, क्या हुआ ये। नेचर एकदम विध्वंसक चीज़ है अगर सोचा जाए तो। बट एनीवे, वो इतना एकदम भीगा हुआ एक शर्ट के अंदर, और बाहर ठंड लगती है यार, तुम गीले हो जाते हो तो और ठंड लगती है, गीले ना भी हो तो ऐसे मौसम में ठंड लगती है। पता नहीं खुद कब खाया, किस टाइम खाया होगा उसने, इसलिए मैंने कुछ दे दिया उसको। ऐप में भी ऑप्शन आता है, बट मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अब मैं ऐप से दूँ, आई डोंट नो कितना उसको एग्जैक्टली मिलेगा, क्या पूरा मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो बीच में जितने भी लोग आते हैं, मुझे दुनिया में किसी पे भरोसा होता ही नहीं है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये। खुद इतने बुरे हालात में थोड़ा बहुत खाकर इधर उधर, क्योंकि यार ऑब्वियसली सैलरी थोड़ी ना इतनी मिलती है कि वो जो खाना डिलीवर करते हैं उसको अफोर्ड कर पाए। खाना डिलीवर कर रहे हैं खुद आधा अधूरा खा करके, वो भी ऐसे मौसम में। ट्रेजेडी है ये, बहुत अजीब ट्रेजेडी है। वही वाली बात है कि जो जो मजदूर घर बनाते हैं वो उनमें रहते नहीं हैं। खैर, अभी चल रहा है 2 घंटे का लंच ब्रेक। अब उन लोगों के लिए तो लंच ब्रेक है, पर हमको नहीं चाहिए, हम सोना चाहते हैं। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, हमें नहीं चाहिए लंचिस्तान, हमें नहीं चाहिए कॉफिस्तान, हमें चाहिए अपना नरम गरम बिस्तरिस्तान। हम बस सोना चाहते हैं। माय लॉर्ड, बैक टू बैक कर दो सारी टॉक्स, नहीं चाहिए खाना खाना में बीच में। सुनते हुए तो और नींद आती है, पढ़ाई की चीज़ें सुनते हुए। एंटरटेनिंग तो फिर भी सुन ले इंसान, नेटफ्लिक्स तो पूरी रात देखा जा सकता है। मतलब अभी मैं बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, पर जब टॉक चल रही थी एक बार, एक आध बार तो मैं जैसे सपने में चला गया था भाई। हाथ अपने आप ही गिर रहा था कहीं पे। और पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो इतना अटेंटिव होकर इतने फोकस के साथ सुन लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बचपन से, मतलब स्कूल टाइम से मुझे नींद आती थी यार। जब भी टीचर पढ़ाने लगता है, मुझे नींद आती थी। और अगर अंग्रेजी में पढ़ा रहा हो तो और ज्यादा, मतलब इंग्लिश जहाँ पर बोलने लग जाता है इंसान, मेरा कनेक्ट टूट जाता है वहाँ पे। जैसे कुछ चल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। हिंदी बोल रहा है तो फिर भी एकदम डायरेक्ट दिमाग में बैठती है और सुन लेता है। मैं नहीं जानता मैंने कैसे तो पढ़ाई कर ली, आज भी कैसे ना कैसे कर लेता हूँ अपने आप से, पर जब भी भैया ये प्रेजेंटेशन टॉक्स लेक्चर चलते हैं, मेरे को नींद आती है, मुझे भयंकर नींद आती है। कई मेरे जानने वाले हैं जो रिलेट कर पाएंगे, एक प्रोफेसर थे हमारे। मैं बैठता भी अगले बेंच पे था बेशर्मों की तरह, क्योंकि पढ़ाई तो करनी होती थी, तो बैठ करके आगे ही अब मैं भयंकर नींद में होता था, मेरी आंखें ऐसे हो रही होती। तो एक प्रोफेसर ने तो बोला भी था, दिस गाय इज स्लीपी एट द फ्रंट बेंच। मैंने बोला नो सर। बोलता है नो आई सॉ योर आईलिड्स क्लोजिंग। मैंने कहा सर आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ लो। तो कहता मे बी यू आर योगी और समथिंग हु कैन स्लीप एंड लिसन एट द सेम टाइम। तो भाई साहब, पढ़ाई की कैपेबिलिटी होना और वो अच्छा लगना दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, एक इंसान केपेबल हो सकता है, इंटरेस्ट भी ले सकता है उसमें, पर जरूरी नहीं है कि उसको लेक्चर्स में मजा आता हो, ओ हो क्या पढ़ाया है। उसको नींद आ सकती है। तो यार दिन खत्म हुआ, अब आ रही है भयंकर नींद। अब मैं उठूंगा जब नींद पूरी हो जाएगी, कोई अलार्म नहीं, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं। गुड नाइट।